दोस्तों EPS 95 पेंशनर से संबंधित बहुत ज़रूरी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के भिंड से, EPS पेंशनर्सों की पेंशन में वृद्धि की जाए। राजावत शहर के हाउसिंग कॉलोनी में स्थित बद्री प्रसाद की बगिया में ऑल इंडिया EPS 95 पेंशनर संघर्ष संगठन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर वीरेंद्र सिंह राजावत रहे। बैठक में श्री राजावत ने बताया कि पिछले दिनों 7 दिसंबर 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय आंदोलन के बाद सरकार ने EPS पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि किए जाने वाली मांग पर सकारात्मक रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि EPS पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि की जाए। बैठक में श्री राजावत ने बताया कि इस महीने के अंत तक सरकार द्वारा पेंशन वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। इसी दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष बीके बौरे ने बताया कि 26 जनवरी को देश के हर जिले में राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन के तहत सभी अल्प पेंशन धारक राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान के लिए भिंड में कलेक्ट्रेट में एकत्रित होकर मौन सत्याग्रह के माध्यम से अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए काली पट्टी बांधकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र कलेक्ट्रेट को सौंपेंगे। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने अपने भी बैठक में उद्बोधन दिए। इस मौके पर प्रदेश सलाहकार रमेश बाबू चौधरी, राधेश्याम शर्मा, महेंद्र सिंह चौहान, प्रद्युम्न पांडे, दिनेश सक्सेना, रमेश चंद्र दुबे, रमेश भरे, महेंद्र सिंह कुशवाहा, चंद्रकांत बहोरे, राम प्रकाश शर्मा, गजेंद्र भदौरिया, राजवीर भदौरिया, दिलीप सिंह चौहान, इस्लाम खान, सुभाष पांडे, धर्म सिंह भदौरिया, राम कुमार चौरसिया, SD बहोरे, प्रहलाद अग्निहोत्री, ओम प्रकाश गुप्ता और अमर सिंह बघेल के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सकारात्मक रुख होने की वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों कल है मीटिंग, कमांडर अशोक राउत को इन्वाइट किया गया है श्रम मंत्री द्वारा। उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि कल मीटिंग करने के बाद देखते हैं कि क्या होगा पेंशन पर फैसला। दोस्तों आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है कल की मीटिंग के बाद क्या फैसला निकल कर आएगा, क्या EPS 95 पेंशनर्स को उनका हक मिल पाएगा या फिर नहीं मिलेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइए, और ये भी बताइए आपके हिसाब से EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।